नंबर 7 नटराज हु इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 रिटायर्स ऑन 25th दिसंबर 2021 फ्रॉम ए लिमिटेड एंड रिसीव्स 8 लाख एज ग्रेच्युटी आफ्टर सर्विसेज ऑफ 36 इयर्स एंड नाइन मंथ्स अब इस क्वेश्चन में अगर ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने को बोलता भी है तो ये नॉट कवर्ड वाली कंडीशन रहेगी

सेवेंटी परसेंट ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर सर्विस बेनिफिट यानी कि फोर थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट जो है वो डी ए रिटायरमेंट होगा कंप्यूट द टेक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो ये ग्रेचुटी नॉट कवर्ड वाली कंडीशन है इसलिए सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट होगी बेसिक सैलरी एवरेज जो लास्ट दस महीने की मतलब जिस दिन वो जिस महीने में रिटायर हुए हैं उससे जो पहले के दस महीने हैं उन दस महीने के सैलरी का एवरेज प्लस डी एर अलावेंस रिटायरमेंट पे प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेप्ट हाफ ऑफ सैलरी जो भी ये सैलरी आएगी उससे हाफ से इंटू करेंगे इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस जो भी दिया उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे जितने भी मंथ हो जाए आगे उसको राउंड ऑफ नहीं करना है जो ईयर है सिमिलर जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ट सिक्स ईयर नाइन मंथ अब मंथ छः महीने से ज्यादा है लेकिन यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना है तो सिर्फ थर्टी सिक्स यहाँ पर लिख देंगे बस एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो कंपनसेशन मिला है इस क्वेश्चन में इंप्लॉयर की तरफ से वो ले लेंगे और ट्वेंटी लाख रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट है वो आ जाएगी तो इस क्वेश्चन में भी बस हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है इसलिए टैक्सेबल ग्रेचुटी एक्चुअल जो अमाउंट है मिला हुआ है माइनस इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो करके हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे जो सैलरी है एवरेज लास्ट दस महीने की पहले लास्ट दस महीने की सैलरी निकाल लेंगे हम उसके बाद उसको टेन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा ये सॉल्यूशन देखते हैं सेवन का सबसे पहले इस क्वेश्चन में सैलरी फिक्स नहीं थी तो पहले हमें वो सैलरी लास्ट टेन मंथ की जब वो रिटायर हुए हैं उससे पहले कैलकुलेट करनी होगी तो अप्रैल अकाउंटिंग ईयर बना लेते पहले हैं पहले हम 2021 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2022 क्वेश्चन में बोला गया है ये 25 दिसंबर को ये रिटायर हो गए हैं और ये नॉट कवर्ड वाली कंडीशन है यानी कि इसमें सैलरी प्रीवियस टेन मंथ की लेनी होगी जब वो रिटायर हुए हैं तो दिसंबर में रिटायर हुए हैं तो इससे पहले के दस महीने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो महीने और लेने होंगे जो कि हो जाएगा आपका मार्च और फेबररी अब आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फेबररी से लेकर नवंबर तक की सैलरी ये लास्ट टेन मंथ की जो सैलरी होगी वो आ जाएगी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जून टू थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ इनकी सैलरी थी यानी कि यहां तक यहां तक इनकी जो सैलरी है फेबररी से लेकर मतलब कि जून तक बोला है तो हमको केवल यहीं से लेना है तो ये हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज जून तक सैलरी था और फर्स्ट जुलाई से उनकी सैलरी थी ट्वेंटी एट थाउजेंड पर मंथ तो फेबररी से नवंबर तक की सैलरी पर पर मंथ हो गई ट्वेंटी एट थाउजेंड और सॉरी uh, जुलाई से नवंबर तक की ट्वेंटी एट थाउजेंड हो गई और फेबररी से लेकर जून तक हो गई ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो uh, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम फेबररी से जून तक ये हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ फाइव क्योंकि पाँच महीने हैं वन टू थ्री फोर फाइव और आपका जुलाई से लेकर नवम्बर तक ये भी कितना है पाँच महीने ट्वेंटी एट थाउजेंड तो ये आ जाएगा आपका ट्वेंटी फोर इंटू फाइव पहले करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू फाइव ये हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और ट्वेंटी एट थाउजेंड इंटू फाइव ये हो जाएगा वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज इसको ऐड करने पे ये आ जाएगा टू लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ये लास्ट टेन मंथ की सैलरी हो गई जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट अब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एवरेज सैलरी चाहिए तो एवरेज सैलरी दस महीने की तो एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ हो जाएगा ये जो सैलरी है टेन मंथ की इसको डिवाइड कर देंगे हम टेन से तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ आ गई अब ये कंडीशन है ग्रेचुअटी नॉट कवर्ड की ग्रेचुईटी नॉट कवर्ड सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डी ए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स बेसिक सैलरी क्वेश्चन में जो सॉरी ये बेसिक सैलरी होगा एवरेज लास्ट टेन मंथ का तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर जो कि है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज और डीए रिटायरमेंट पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोर थाउजेंड रुपीज डीए है उसका सेवेंटी परसेंट केवल रिटायरमेंट पे है और डीएरएस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं दे रखा है तो ये हो गया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस ये हो जाएगा फोर थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी एट हंड्रेड रुपीज इसको प्लस कर देंगे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ये हो जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज सैलरी आ गया ग्रेचुअटी नॉट कवर्ड के केस में अब ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेप्ट सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है नॉट कवर्ड के केस में हाफ इन ये जो सैलरी आई होती है ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इन नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस नॉट राउंड ऑफ यानी कि थर्टी सिक्स ईयरस एंड नाइन मंथ लिखा है मंथ छः महीने से ज्यादा है लेकिन हमको नहीं मतलब हम सिंपली यहाँ पे जो ईयर है थर्टी सिक्स बस फोर लिख देंगे इसको सॉल्व कर देंगे फाइव लाख एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज आ गया इसको सोल्व करने पे सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो ग्रेचुटी केस में आठ लाख रुपए एक्चुअल अमाउंट रिसीव दिया गया इस क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट जो कि फिक्स है ट्वेंटी लाख रुपीस अब इसमें इन तीनों में से जो भी लिस्ट यानी कि फाइव लाख एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड वो एग्जेम हो जाएगा फिर टैक्सेबल ग्रेचुअटी में निकालना है उसका फॉर्मूला है एक्चुअल जो ग्रेचुअटी रिसीव्ड है एट लाख रुपीज माइनस लीस्ट फाइव लाख एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज यह आ जाएगा टू लाख एटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज टैक्सेबल ग्रेचुअटी आ गया